कार्यालय में क्या अहम मुद्दे रहेंगे, कौन पार्टी किस तरीके कर रही है? देखिए, प्रयागराज हो चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, जो इस गवर्नमेंट ने किया है उस मुद्दे पे सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। चाहे विकास का मुद्दा आप ले लीजिए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए आप, चाहे आप 370 ले लीजिए, राम मंदिर का जो उन्होंने वादा किया था, सभी प्रकार का इन्होंने वादा पूरा करते चले आ रहे हैं। और विकास की धारा तो ऐसे है, पूरे हिंदुस्तान में आप विकास धारा दे दीजिए, और हिंदुस्तान के अलावा हमारा जो भारतवर्ष है वो पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बना लिया है। आर्थिक स्थिति में हम विश्व के चौथे स्थान पे आ गए हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है। तो हमारा हम यही है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है और विकास की धारा बह रही है। शिक्षा भी बहुत अच्छी हो रही है आजकल। शिक्षा भी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नेट से भी कर दिया गया है, जो बच्चे नहीं जा पाते इधर उधर हो जाते हैं, वो नेट के द्वारा भी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपकी बड़ी बड़ी जो स्कूल कॉलेज की फीसें होती है वो भी नहीं देते, कॉलेज वाला भी काम जो होता है वो भी प्रधानमंत्री जी ने नेट का कर दिया है। अभी बहुत बड़ा मतलब सवाल था पेपर लीक वाले मामले पे, उस तरीके से उसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, और जो भी दोषी होगा चाहे वो किसी पार्टी का होगा, दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। इस तरीके से मुद्दे होने चाहिए, क्या आप समझते हैं आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए? देखिए, मुद्दा जो है जो पिछली सरकारों में आम जनता का जो भय रहता था, अब वो जनता जो है भय मुक्त होना चाहती है। विशेष तौर से क्या मुद्दे रहेंगे? विशेष तौर पर जो है गलत नारी का सम्मान और आम पब्लिक के आने जाने में जो विकास का मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके प्रयागराज में क्या तरीके से? प्रयागराज को जो है जिस तरीके सरकार ने जो है गलत बनाया हुआ है, फ्लाईओवर से लेके रोड चौड़ी से लेकर अन्य तमाम जो है गलत विकास देकर जो बनाया है, उसका जो है कोई जो है योगदान नहीं है। आज जन जन में जो है यही पुकार है कि यही सरकार रहनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, अगर हम प्रधानमंत्री पीएम मोदी की बात करते हैं, तो जिस तरीके से उनका शासनकाल रहा है वो सराहनीय रहा है। हम लोगों ने देखा है, कई जगहों पर देखा, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखा जाए, तो जिस तरीके से भारत की प्रतिभा दूसरे देशों में बढ़ी है, भारत के लोग हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो आज हमको अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, जिसमें जो हमारे युवा है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रोजगार पूरी तरीके से उनको नहीं मिल पा रहा है। सुरक्षा एक बहुत बड़ी मुद्दा है, फिलहाल जिस तरीके से सूबे में आपके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, तो जो भी अपराधी हैं या तो सलाखों के पीछे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। तो ये दो मुख्य बिंदु है जिन पर सरकार को सोचना चाहिए, सुरक्षा को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। अगर इन दोनों चीजों को सुधार लिया तो कभी 2024 में भी मोदी जी चुनकर आएंगे। शिक्षा भी एक बड़ा सवाल है, और शिक्षा के लिए सरकार तमाम तरह के कदम उठा रही है, और लोगों को शिक्षित करने के लिए तमाम तरह के स्कूल खोले जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर तमाम तरह के सरकार के जितने भी कार्यक्रम है, तो सारी चीजों को देखा जा रहा है। जी, वहाँ पर क्या उद्देश्य है, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, 2024 के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है वो मजबूत भारत का बनने जा रहा है। और मजबूत भारत का कहने का तात्पर्य, उदाहरण मैं बहुत आपको स्पष्ट दे देता हूँ कि भारत के इतिहास में 3 शहीदों को अंग्रेजों ने जबरदस्ती फांसी पर लटका दिया था, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। उस समय हमारे पास इतने अच्छे अच्छे वकील थे, उनकी फांसी नहीं रुकवा पाए। लेकिन आज एक उदाहरण देखें कि भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, और 5-9 सैनिकों की फांसी की सजा कतर ने सुनाई थी, वहां से उनको सकुशल लेके आए। तो हम ऐसी राजनीतिक पार्टी को वोट करेंगे जो देश को मजबूत करे और दुनिया में अपनी छवि बनाए। शिक्षा और देखिए, जब राष्ट्र मजबूत बनेगा तो सब कुछ मजबूत बनेगा। शिक्षा अपने आप लोग शिक्षित होंगे, हमारी पहचान बन रही है वो शिक्षा के ऊपर ही बन रही है और आपसी सहयोग के ऊपर भी बन रहा है। और क्या मुद्दे रहे? दूसरा है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे ख्याल से यही है कि एक मजबूत राष्ट्र हमें बनाना है, जिसे मजबूत लोकतंत्र रहेगा और मजबूत लोग, मजबूत राष्ट्र और मजबूत लोकतंत्र। चुनाव के लिए सर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और प्लस आपका बेरोजगारी, ये दो मुद्दे मेजर हैं। क्या होना चाहिए इस पे? गवर्नमेंट देखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ज्यादा से ज्यादा भर्तियां जो इतने धांधली हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, इस पे थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। और क्या? और थोड़ा सा जो रिटेल खुदरा महंगाई जो है, इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए, जो कि उनके हित में हो, पब्लिक हित में हो। ठीक है,
स्वास्थ्य देखिए सर, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, जॉगिंग कीजिए, चिकित्सा सेकेंडरी है, पहला तो सर बेरोजगारी है, वो महंगाई है। आदमी अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, अच्छा टहले, एक्सरसाइज करे, वार्निंग वॉक करे। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।